भूवैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे बड़ा रहस्य खोजा है। वैज्ञानिकों ने पानी में पूरी तरह से डूब चुके अनोखे महाद्वीप की खोज की है। इसको पृथ्वी का आठवां महाद्वीप बताया जा रहा है। इस खोज के बाद धरती के भूगोल को समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं, लेकिन अब ये थ्योरी गलत हो गई है। वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप की खोज कर ली है। इसका नाम है जीले इंडिया या ते रिऊ ए माउई है। ये महाद्वीप करीब 375 साल पहले मौजूद था। fit.org के मुताबिक रिसर्चर्स ने समुद्र की सतह पर मौजूद चट्टानों के नमूनों की स्टडी करने के बाद ये जानकारी दी है। इसका लंबा समय से पता नहीं चल पा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार भूवैज्ञानिकों और भूकंप विज्ञानियों की टीम ने बहुत ही सावधानी के साथ जिले इंडिया का लेटेस्ट मैप तैयार कर लिया है। इस खोज के निष्कर्षों को टेक्टोनिक्स मैगजीन में भी प्रकाशित किया गया है। जिले इंडिया करीब 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला था। ये अफ्रीकी देश मेडागास्कर यानी 5,86,884 वर्ग किलोमीटर से 6 गुना बड़ा था। यह दुनिया का सबसे छोटा और सबसे संकरा महाद्वीप है। ये विशाल महाद्वीप के रूप में उभरा है। इस अभूतपूर्व खोज में शामिल वैज्ञानिकों की टीम का दावा है कि जिले इंडिया को शामिल करने के साथ दुनिया में अब कुल 8 महाद्वीप हो गए हैं। दुनिया के लिए नया जुड़ाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पृथ्वी पर सबसे छोटा, सबसे पतला और सबसे युवा महाद्वीप है। मौजूदा जानकारी के अनुसार जीलैंडिया समुद्र की सतह से नीचे डूबा हुआ है। इसके भूभाग का एक छोटा सा हिस्सा द्वीपों के तौर पर सतह पर है। ये न्यूजीलैंड के पास है। न्यूजीलैंड के क्राउन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक जियोलॉजिस्ट एंटी टुलोक इस महाद्वीप को ढूंढने वाली टीम में शामिल थे। उन्होंने बताया कि इसका करीब 94% हिस्सा पानी में समा चुका है। सिर्फ न्यूजीलैंड जैसे कुछ ही द्वीप हैं जो अभी धरती पर मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिले इंडिया पहले सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा था। ये करीब 55 करोड़ साल पहले बना था। सदर्न हेमिस्फीयर का पूरा क्षेत्र इसका हिस्सा था। गोंडवाना वही कॉन्टिनेंट है जिसके टूटने पर बाकी कॉन्टिनेंट बने हैं। जीलैंडिया 10.5 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग होने लगा था। यह एक तरफ टूटता गया और दूसरी तरफ समुद्र में समाता गया। वैज्ञानिकों ने 2017 में सबसे पहले जीलैंडिया के बारे में वैज्ञानिकों को कई अहम सबूत मिले थे। इसका मतलब है कि इससे पहले भूवैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि समुद्र के नीचे सैकड़ों साल से एक महाद्वीप छिपा हुआ है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1995 से ही साइंटिस्ट इसकी खोज में लगे हुए हैं। जीलैंडिया महाद्वीप का अस्तित्व पहली बार 1642 में सामने आया था, जब एक डच बिजनेसमैन और नाविक एवल टैसमैन ग्रेट साउथर्न इस महाद्वीप की खोज में निकले थे। जब वे न्यूजीलैंड के दक्षिणी आइलैंड पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने आसपास की जानकारी दी। इसी के साथ उन्हें जीलैंडिया के बारे में भी पता लगा। ये बात अलग है कि इस महाद्वीप को खोजने में सालों लग गए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।